नमस्कार दोस्तों, गंगास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी मलाई मटर, जो कि एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम लेंगे मेथी जो हमें धो ली है, बॉइल्ड पीस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, कैश्यू नट्स, ऑयल, हमने यहाँ होममेड फ्रेश क्रीम लिया है, अनियंस, होममेड पनीर और टमाटर। मसालों में हमें चाहिए होगा भुना मसाला, जीरा, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियंस। इसमें हम डालेंगे कैश्यू नट्स और इसे ब्राउन भून लेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट और उसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। इसमें हमने डाला है टमाटर, दो टमाटर, और इसे भूनने के बाद 10 मिनट हम इसे पेस्ट बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक कढ़ाई में हम लेंगे तेल, इसमें डालेंगे जीरा और हींग। जीरे को ब्राउन होने के बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, इसे मिक्स कर लेंगे, टर्मरिक और भुना मसाला। हम बहुत कम भुना मसाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो हमने पहले पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें इस पेस्ट को अच्छी तरह से पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक। इस पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। कुछ इस प्रकार का दिखेगा भूनने के बाद, इस तरह से तेल ये छोड़ चुका है। इसको करीबन 15 से 20 मिनट हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तेल छोड़ने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ मेथी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी को पकने में कम टाइम लगता है, तो जब तक आप इसे मिक्स करेंगे ये पक जाएगा। अब इस मेथी में हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है बॉइल्ड मटर। ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड पनीर, फ्रेश पनीर, मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहेगी तो हम कम पानी डाल रहे हैं। इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक, और लास्ट में जब बॉईल आ जाए इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट पकने के बाद हमारा मेथी मलाई मटर रेडी है। इसे आप सर्व करिए पराठे के साथ, नान के साथ, राइस के साथ। ये जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो ये बहुत ही आइडियल डिश है उन्हें सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और अपने कमेंट्स लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। टिल देन, हैप्पी कुकिंग एंड शेयर इट विद योर फूड। टेक केयर।